सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ जूही सक्सेना। आज सुबह सुबह आपको चांद दिखा रहे हैं हम, तो जाहिर है कुछ खास बात ही होगी। दरअसल आज चांद की बात होगी। हमारे साथ देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी भी हैं। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। माता रानी सदा सुखी रखे, खुशियां बख्शे दाते। आज सोमवार है और आज शिव जी का भी दिन है। शिव जी का चांद से संबंध है। भोलेनाथ को श्रीधर भी कहा जाता है क्योंकि उनके शीश पर चंद्रमा सुशोभित रहते हैं। सोमवार को चंद्रदेव की आराधना का दिन भी होता है, इसीलिए आज चंद्रमा से जुड़े रहस्यों की हम बात करेंगे। चंद्रमा से जुड़े और कौन से विषय होंगे ये भी जान लेते हैं। चमकते चांद की तरह कैसे चमकेगी आपकी किस्मत? कुंडली के बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए चंद्रमा को कैसे करें मजबूत? जीवन में आने वाले संकटों को कैसे रोकेगा चंद्रमा? क्या चंद्रमा की वजह से आपकी सफलता रुकी हुई है? आज उपाय जानेंगे। शो की शुरुआत करने से पहले अपने दर्शकों को याद दिला दें कि फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को आप लाइक कीजिए और गुरुदेव से सीधा अपने सवाल कीजिए। आपके सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप मेल कीजिए, आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप फोन कीजिए। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहां मिलेंगे। गुरुदेव, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि चंद्रमा का शिव जी से क्या संबंध होता है और उस संबंध का हमारे दर्शकों की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? बेटा, मैं तुम्हें आज सबको एक बात बता देता हूँ कि हमारे जितने भी देवी देवता हैं वो सारे के सारे सही मायने में उनका जो स्वरूप बनाया गया वो इसीलिए बनाया गया कि किसी इंसान को सही मायने में होना कैसा चाहिए, ये समझाने के लिए हर देवी देवता का स्वरूप बना है। और पहले लोग बहुत भोले भाले होते थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं होते थे, जिसकी वजह से ये तरीका बिल्कुल सही था इंसानों को समझाने का। लेकिन आज की डेट में पीढ़ियाँ ऐसी बढ़ गई हैं बेटा कि हर कोई ज्ञानवान हो गया है और हर कोई तर्क की शक्ति रखता है और हर किसी को तर्क के पीछे का जवाब चाहिए, समझ गए? तो अब अगर इंसान इतने समझदार हो ही गए हैं तो बेटा हम फिर उसी तरीके से आपको समझा देते हैं। भोलेनाथ और चंद्रमा का जो संबंध है वो बेटा एक इंसान को ये समझाने के लिए है कि आपको सही मायने में अपने जीवन में होना कैसे चाहिए। जैसे भोलेनाथ, भोलेनाथ बिल्कुल सात्विक टाइप के, और उनका आप ड्रेसअप भी देख लो या ये कहें कि उनके आप पहनावा देखिए तो क्या है, बिल्कुल सिंपल पहनावा है। और गले के अंदर सांप लिपटे हुए हैं, कंठ के अंदर उनके विष बताया गया है और सर के ऊपर से बेटा वहाँ चंद्रमान भी विराजमान है और वहीं पर गंगा की धारा भी बहती है। बेटा ये जो स्वरूप है ये इंसान को समझाने के लिए बताया गया कि आपको सही मायने में कैसा होना चाहिए। आपकी गृहस्थी के अंदर जो भी इंसान सबसे बड़ा है उसको सही मायने में भोलेनाथ के स्वरूप के समान होना चाहिए। कैसे? कि कितनी भी व्यथाएं आए, कितनी भी तकलीफें आए घर के अंदर, उसको हमेशा धैर्य रखना चाहिए। उसको पता होता है कि कौन इंसान गलत है और कौन इंसान सही है, इसी चीज की जानकारी पूरी रखने वाला लेकिन मुंह से एकदम से मुंह फट होकर के ना बोलने वाले को ही कहा जाता है कि कंठ के अंदर उसने विष रखा हुआ है। यानी कि वो बोलना भी चाहता है लेकिन बोलना नहीं है क्योंकि बोलने से परिवार टूट जाएंगे। जो चंद्रमा का विराजमान होना यानी कि धैर्य बनाना, सारा अच्छा और बुरा उसको सोच के चलना कि
कौन से ऐसे शब्द बोले जाएंगे कि जिससे परिवार के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी, और कौन से ऐसे शब्द बोलने चाहिए जिससे कि परिवार सारा एक हो जाए, और किसी का भी किसी के साथ पूरा झगड़ा ना बढ़े, परिवार के अंदर सुख शांति रहे। ये बुद्धि परिवार के बड़े वाले इंसान को अगर अपनाता है वो, तो बेटा समझ लीजिए कि भोलेनाथ के स्वरूप के समान है और उसके सर पर चंद्रमा विराजमान है। और चंद्रमा सही मायने में हमारे शरीर में जो स्थान रखता है, मैं उसके बारे में बताता हूं। चंद्रमा को दिल कहा जाता है बेटा, यानी कि हमेशा धैर्य बना के रखना, बहुत ज्यादा एक्साइटेड ना होना, और आवेग में आकर के कोई भी अपशब्द ना बोलना, और आवेग में आकर के कोई ऐसा काम ना कर देना कि जिसके साथ में अपने घर वालों का या बाहर वालों का किसी का भी अहित हो। इसके विपरीत अपने पूरे परिवार का, कुनबे का ध्यान रखना। भोलेनाथ के स्वरूप का यानी कि चंद्रमा का जो हमारे शरीर के अंदर स्थान है बेटा, वो यही है हमारे दिल के स्थान पर। यानी कि किसी भी तरह के बुरे हालात हो जाए, चाहे कोई गलत करे या सही करे बेटा, उसको बहुत धैर्य से समझना और बाद में बहुत धैर्य से समझाना, और अगर कोई सही कर रहा है तो उसको भी इस तरीके से लेकर के चलना कि वो और अच्छा करे और बाकियों के लिए अच्छा हो, और जो कोई बुरा कर रहा है वो इस तरह से प्यार से समझाना कि बड़े आराम से ही बिना लड़ाई झगड़े के घर के अंदर कलेश किए बिना ही वो जिंदगी के अंदर सही रास्ते पर। और नरम दिली इतनी कि आपके पास में जो भी फरियाद लेकर के आया, जो भी झुक के आया, उसकी मदद करना। जैसे भोलेनाथ, उन्होंने भोलेपन में ही भस्मासुर ने अगर थोड़ी तपस्या करी तो उसको भी वरदान दे दिया कि तू जिस पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, और बाद में भोलेनाथ के पीछे ही वो भस्मासुर पड़ा। बेटा इस तरह का भोलापन रखना, यही सही मायने में जिंदगी के अंदर पूरी समृद्धि का कारक भी बनता है। और आप देखिए कि जो लोग बहुत ज़्यादा चलाकियाँ करते हैं, तेजियाँ करते हैं, उनको जिंदगी के अंदर बहुत दुख सहने को मिलते हैं। जो जरा जरा सी बात के ऊपर शक करके चलते हैं, वो अपने ही पारिवारिक सुख को खराब करते हैं। जो इंसान बाहर वालों के साथ धोखाधड़ी करते हैं बेटा, उनका काम थोड़ी देर के लिए होता है, बाद में फिर गिर जाता है। लेकिन जो भोला इंसान होता है वो क्या करता है, वो सुबह अपने काम पर निकलता है, काम करके सहजता से शाम को आता है, आकर के अपने परिवार के साथ थोड़ा वक्त बिताता है और उनके सुख दुख पूछता है, और शाम को ही सलाह दे देता है कि बेटा इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो। अगर जेब में पैसे भी नहीं है और परिवार को ज़रूरत है, वो परिवार को बिना कुछ कहे, उनके सामने ज़्यादा एग्रेशन दिखाए बिना बेटा वो चुपचाप जाएगा और जाकर के पैसे का भी जुगाड़ करके लेके आएगा और घर वालों की पूर्ति करेगा। बेटा चंद्रमा का काम है सहजता, कोमलता, परिवार को एक रखना, और धीरे धीरे अपना काम करते हुए अपनी प्रॉपर्टी बनाना, पैसे को जमा करना और जरूरत के वक्त में खर्च करना। गुरुजी, कुंडली में चंद्रमा का क्या महत्व होता है और ये हमारी जिंदगी पे किस तरह से असर डालता है? बेटा जो हम राशि देखते हैं ना, वो राशि यही होती है कि चंद्रमा जिस घर में जाकर के बैठ जाए, समझे, तो समझ लीजिए जिस घर में बैठ गए, जिस राशि के अंदर बैठ गए, वही गुण चंद्रमा ले लेते हैं, ठीक है। और इसी से राशि देखी जाती है, इसी से लोगों का अलग अलग स्वभाव बनता है, क्योंकि हर किसी की लगभग अलग अलग राशि होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में जब हमारी शादी होती है, शादीशुदा जीवन को अगर देखना है तो चंद्रमा की कुंडली देखी जाती है, यानी कि चंद्रमा जिस घर में जिस राशि के अंदर बैठा हुआ होता है उसी को सबसे ऊपर ला करके एक तरह का लग्न बना दिया जाता है, और वहां पर जो गृहस्थी के हालात लिखे हुए हों बेटा, वही हमारे जीवन के अंदर घटित होता है। इसीलिए बेटा चंद्रमा का तो बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में भी, हमारी जन्म कुंडली के अंदर। अब इसी के अंदर अगर चंद्रमा सात्विक घर के अंदर, मान लो जन्म कुंडली के दूसरे घर के अंदर बैठ गए, चौथे घर के अंदर बैठ गए, तो वही इंसान बहुत धैर्य से सोच समझ के अपनी लिखाई पढ़ाई, अपने ज्ञान को पूरा करके जिंदगी के अंदर कमाई बहुत अच्छा करता है, और वाहन के सुख भी पाता है और जायदाद भी बनाता है, भले ही थोड़ी धीरे धीरे बनाए लेकिन अच्छा करता है। वही चंद्रमा अगर छठे घर से आठवें घर के साथ में संबंध कर जाए तो बेटा घर के अंदर रिश्वतों के पैसे आते हैं, क्योंकि छठा घर बुध का, यानी कि आदमी नौकरी पे भी हो तब भी उसे बिजनेसमैन बना देता है, आदमी किसी के साथ धंधा कर रहा हो तो तब भी बेईमानी सिखा देता है, क्योंकि यहाँ पर बुध यानी कि बिजनेस उसके दिमाग के अंदर पैदाइशी रूप से होता है,
और जिसके चलते उसने कैसे बचाना है पैसा, कैसे कहीं से निकालना है, ये पैदाइशी समझ उसके अंदर होती है बेटा। इसीलिए रिश्वत का पैसा भी आता है, या फिर बिजनेस के अंदर भी युक्ति द्वारा वो कुछ ज्यादा तेज यानी कि चलाकी करके वो पैसा कमाता है। वही चंद्रमा भाग्य स्थान के अंदर हो तो इंसान नरम दिल, अच्छा, लोगों की भलाई के काम करने वाला, लोगों के भले के लिए नए नए आश्रम बनाने वाला बेटा इस तरह का बन जाता है। उस इंसान को कैसे भी बुरे हालात के अंदर रखा जाए, वो लोगों के ऊपर नरम दिली में उनके ऊपर मदद करने वाले हालात को पैदा कर ही लेगा। कहने का मतलब लोगों की मदद करेगा ही करेगा, चाहे कुछ भी हो। नौवें घर का चंद्रमा इस तरह का अच्छा कर देता है। दसवें घर का चंद्रमा इंसान को अच्छा तो जरूर बनाता है, लेकिन माँ और बेटे की लड़ाई करवा देता है, और वो लड़ाई भी रहती है, और आदमी कितना भी पैसा कमा ले, कितना भी काम हो, उसको सेटिस्फेक्शन बिल्कुल नहीं मिलती बेटा। और पैसे के मामले में हमेशा जुगाड़ होते हैं, कारण ये कि वो नरम दिली के अंदर, इमोशनल वे के अंदर पैसे बहुत खर्च देता है, अपनों के ऊपर ही खर्च देता है या अपने सुख साधनों के ऊपर खर्च देता है, जिसके चलते उसके पास पैसे की कमी रहती है, फ्यूचर के लिए जोड़ता नहीं। और बारहवें घर का चंद्रमा बेटा ये अपनी ही दुनिया में रहता है, नए नए ऊंचे ऊंचे सपने देखता है, जिस तरह के लोग धरती पे मिलते नहीं उन तरह के लोगों के साथ में जुड़ करके वैसा जीवन बनाने की कोशिश करता है, और धंधे के अंदर अक्सर चोट खाता है। तो बेटा सही मायने में चंद्रमा ही ऐसा ग्रह है जो आपके जीवन की समृद्धि को तय करता है, आपके सोच को तय करता है, आपके घरेलू जीवन को तय करता है, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी होगी कितनी नहीं होगी इसको तय करता है, पैसा कितना होगा इसको तय करता है, और सबसे बड़ी बात आपके जीवन को तय करता है कि आप जो पैदा हुए हो कितने साल जियोगे, आपकी यानी कि उम्र का जो आखिरी हिस्सा है उसकी उम्र का कितनी उम्र आपने जीनी है ये भी तय चंद्रमा ही सिर्फ करते हैं। और बेटा इसको अच्छा रखना ही जीवन के अंदर हर सुख शांति को प्राप्ति करवाता है और हर सुख की प्राप्ति करवाता है, इसीलिए चंद्रमा को अच्छा रखना बहुत जरूरी। गुरुजी ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिनसे हम पहचान सकें कि चंद्रमा हमारी जिंदगी पर अच्छा प्रभाव डाल रहा है या बुरा प्रभाव? बेटा अगर घर में हमारी माँ राज कर रही है और गुस्से में रहे, चाहे सहजता में रहे, लेकिन उसको कोई दुख नहीं है और सारे लोग उसका अगर कहना मानते हैं, नॉर्मल गृहस्थी चल रही है, रुपये पैसे की कोई ज़्यादा कमी नहीं आ रही, समझ गए, और घर का खर्चा बड़ा स्मूथली चल रहा है और अपने ही घर में रह रहे हो, तो समझ लो चंद्रमा बहुत अच्छे हैं। और अगर चंद्रमा अच्छे हैं तो बेटा जीवन के अंदर ठीक है, जितनी मेहनत हर किसी को करनी पड़ती है, इतनी मेहनत करने के बाद आपको जीवन में कामयाबी ज़रूर मिलेगी चाहे कुछ भी हो, और वाहन का सुख भी मिलेगा, घर का सुख भी मिलेगा, गृहस्थी का सुख भी मिलेगा। लेकिन जिनकी माँ को उनके बचपन से ही बहुत ज़्यादा दुख स्टार्ट हो जाए, उनके पिता की तरफ से दिए हुए या दुनियादारी के दिए हुए या पैसे की कमी की वजह से दिए हुए या शारीरिक रूप से परमात्मा ने ही उसको कोई खराबी दे दी, तो समझ लीजिए जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा खराब है। और अगर घर के अंदर बहुत ज़्यादा सीलन आने लग गई, बार बार पानी दीवारों के ऊपर आ जाता है, कहीं से भी पानी लीक होकर आ जाता है, तो समझ लो चंद्रमा बहुत खराब है बेटा। बेटा चंद्रमा जो खराब होता है ये जिंदगी के अंदर रुपया पैसा, मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति, रुपया पैसा, प्रॉपर्टी, इन सब के लिए खराबी के योग देता है। ऐसे इंसान के पास अगर 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टी भी हो ना बेटा, तो वो भी बैंकों के अंदर गिरवी रखी हुई होती है या उसके लिए कोई ना कोई पंगा ही पड़ा हुआ होता है। जिन दिनों में घर में सीलन आ जाए बेटा, उन दिनों के अंदर भूल के भी प्रॉपर्टी परचेज मत करो, वरना अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज कर ली या तो आपकी प्रॉपर्टी फंस जाएगी या पैसे फंस जाएंगे या कोई ना कोई उसकी लिखित के अंदर ही कोई ना कोई ऐसी कमी रह जाएगी जो बाद में आपको तकलीफ देगा। गुरुदेव से चर्चा हम यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ इलाहाबाद से आशुतोष तिवारी जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। प्रणाम पंडित जी, मेरा नाम आशुतोष तिवारी है, मेरा जन्म स्थान जौनपुर जिला उत्तर प्रदेश, और जन्म तिथि 11 जुलाई 1988 है, और जन्म समय दोपहर में 2:37। जी आशुतोष जी, आप सवाल कर सकते हैं। मेरी उम्र 28 वर्ष हो चुकी है, मैं अपना जीवन का रास्ता निर्धारित नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे किस क्षेत्र में जाना चाहिए, मेरी आजीविका का स्रोत क्या होगा? बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर जो मैं योग देख रहा हूँ, सूर्य देव की दृष्टि शनि के ऊपर और बुध अस्त है। ये जो बुध है बेटा, सही मायने में अब ये बिजनेस तो तुम्हें करने नहीं देंगे, लेकिन अगर तुम किसी भी तरह के प्रोफेशनल बनते हो,
किसी को भी एडवाइस देने वाले बनते हो, समझे, किसी भी तरह के टीचिंग कोचिंग सेंटर चलाते हो, भले ही तुम एस्ट्रोलॉजी भी करते हो या मैनेजमेंट को संभालते हो, बेटा इस तरह के हर कार्य के अंदर तुम्हारे लिए बहुत ही उत्तम हालात दिखे। मंगल बहुत प्रबल है जो तुम्हारे दिमाग को तेज करते हैं, लेकिन बुध खराब होने की वजह से बिजनेस खराब। लेकिन जिंदगी के अंदर जितनी देर तक तुम्हारे घर पे कुत्ता रहेगा, तुम जिंदगी के अंदर बहुत कामयाब रहोगे। और घर पे अगर कुत्ता नहीं रहा तो जिंदगी के अंदर बार बार फ्लक्चुएशन, कभी ऊपर कभी नीचे, झूले की तरह झूलते रहोगे, स्टेबल नहीं हो पाओगे। तीसरा बेटा, तुम अगर अपने उतरे हुए कपड़े कितने भी दान दोगे या बहुत ज्यादा पूजा पाठ में जाओगे, तब तुम्हारे लिए खराबी के हालात होंगे। नॉर्मल पूजा पाठ करते हो तुम्हारे लिए बहुत उत्तम रहेगा। और अपने उतरे हुए कपड़े कभी भी तुमने दान में नहीं देने, इस चीज का खास ध्यान रखना। और साल में एक बार कांच के मर्तमान में गुड़ भर करके, कांच का ही ढक्कन लगा के उसे विरान जमीन के अंदर जरूर दबाना है, वरना तुम्हारी गृहस्थी के लिए भी हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहेंगे। मात्र एक ही उपाय और जो मैंने कहा है वो काम कर लो बेटा, परमात्मा की दया से तुम्हारी जिंदगी हर तरह से उत्तम जाएगी। खुश रहना। अगर आप भी हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं, गुरुजी से अपनी परेशानियों का समाधान पाना चाहते हैं, तो तरीका बहुत ही आसान है। बस आप अपना फोन उठाइए और अपनी टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर्स पर तुरंत कॉल कीजिए, या आप अपनी परेशानी हमें मेल भी कर सकते हैं। बस आप अपनी डिटेल्स के साथ अपनी परेशानी हमें लिख भेजिए, gurumantra@itvnetwork.com पर आप मेल कीजिए। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी और गुरुदेव से शो पर बात करवाएगी। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है, कल्पना है दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कर सकती है। नमस्कार गुरुजी, 12/5/1985 है। ठीक है। और समय है 8:47। सुबह के? हाँ जी, सुबह का। मेरा दिल्ली का जन्म है गुरु जी। क्या जानना चाहती है? गुरुजी, मैं अपने ससुराल की तरफ से तो बहुत सुखी हूँ, मगर मैं अपने मैके की तरफ से बहुत ज्यादा दुखी हूँ। एक्चुअली में बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर शुक्र और बुध के मिल जाने से मंगल देव बद है, बहुत बुरे। और जब मंगल देव बुरे हो जाते हैं तो घर के अंदर जैसे ही मंगल कार्य होते हैं उनके बाद तकलीफों का योग बनाता है। और शनि और राहु का मेल और सूर्य ग्रहण, शनि और राहु का मेल कहते जब भी मकान बनेगा कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटलों के धक्के खाने के योग शुरू होंगे और कोई ना कोई एक्सीडेंटल कंडीशनें बनेंगी। और शनि पिता के घर में बैठे हैं और सूर्य ग्रहण, तो यानी कि जितना दुख मिलेगा वो पिता को मिलेगा, लाभ खराब हो जाएंगे, उल्टे कई बार बदनामियों के योग भी और सेहत की खराबी के योग तो है ही। बेटा इतने खराब हालात के अंदर ये कुंडली आकर के बैठी हुई थी बेटा, जो तुम्हारे मायके के लिए, इसको इमीडिएटली टालने के लिए बेटा उपाय लिखो। 43 दिन लगातार 4 मुट्ठी साबुन बादाम और 1 नारियल पूजा वाला, ये लेकर के इनको सरसों का तेल लगा करके या तो जल प्रवाह करो या बेटा गरीबों को दान दे दो। ये 43 दिन का उपाय करना बेहद जरूरी है बेटा। दूसरा बेटा, मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर के लाल कपड़े से उसका मुंह बंद करके उसको वीरान जमीन के अंदर जाके दबा के आओ। और फिर 43 दिन ही लगातार 12 ग्राम गुड़ लेकर के उसको मंदिर में देना, और हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के कुत्ते और कौओं को डालना। बेटा अगर ये उपाय किए तो तुम्हारे मायके के दुख हर तरह से खत्म होंगे। और अपने पिताजी को कहना कि अब कम से कम 3 साल तक घर के अंदर किसी भी प्रकार की तोड़ फोड़ या रिपेयर ना करवाएं, वरना उनको आगे और बहुत सारी तकलीफें भोगने को मिल सकती है। ठीक है बेटा, खुश है दादा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, मुक्ता है फरीदाबाद से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। जी, मेरा नाम है मुक्ता कनेजर जी, और मेरी डिटेल्स है, बर्थ डिटेल्स 25/8/1976, समय 7:30 AM to 7:40 PM के बीच है, एग्जैक्टली नहीं पता। क्या जानना चाहती है? जी मैम, मेरा करियर सेट नहीं हो पा रहा, मतलब इतना पहले जॉब करती थी वो एकदम जल्दी जल्दी छूट जाती है, और फिर उसके बाद ना जॉब मिल रही है, और मतलब कॉन्फिडेंस एकदम लूज हुआ है, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं। बेटा तुम्हारी कुंडली तो लगभग काफी अच्छी है, लेकिन तुम्हारी कुंडली के अंदर काल सर्प दोष है, और ये काल सर्प दोष कहते हैं अपने साथ वालों को, जब सबको सब कुछ मिल जाता है तब अठवीं बारी आती है, तब ये जिंदगी के अंदर समृद्धि देनी शुरू करता है। और इस काल सर्प को दोष को तुम अगर तोड़ती हो बेटा, उसके बाद तो वैसे ही जीवन अच्छा रहेगा। और ऊपर से दूसरा एक और योग है बेटा, और वो है बृहस्पति देव का धन भाव के अंदर होना,
और ये यहाँ पर बैठ करके काम देते हैं, काम से सेटिस्फेक्शन नहीं देते और स्मूथली कभी नहीं चलने देते बेटा। इन दोनों योगा का उपाय करोगी तो बेटा तुम्हारे लिए हर तरह के अच्छे कार्यों के रास्ते खुल जाएंगे। और साथ ही अगर तुम किसी भी तरह की टीचर बनती हो, ट्रेनर बनती हो, लोगों को एडवाइस करने वाली बनती हो, समझाने वाली बनती हो, मोटिवेशनल गुरु बनती हो बेटा, इन सब के लिए तुम्हारी कुंडली बेहद बेहतरीन है। और इसके अलावा दूसरी तरफ आप किसी भी तरह की सेल में जाते हैं, यानी कि सेल्समैनशिप किसी भी तरह की हो, उसके लिए भी तुम्हारी कुंडली बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब इसको ठीक करने का जो रास्ता बेटा वो ये है कि साल में एक बार कांसे का एक बड़ा सा कटोरा लेना है, देसी घी का हलवा बनाना है सूजी के अंदर, वो उसमें डाल देना बेटा। फिर देसी घी को गर्म करके उस हलवे के ऊपर और डाल दो बहुत सारा पिघला करके, और चांदी के नाग नागिन का जोड़ा उसके अंदर डाल के उसके अंदर मुंह देख करके राह चलते किसी भी गरीब आदमी को दान में दे दो। ये हर साल तुम्हें उपाय जरूर करना है और इससे कालसर्प योग का दोष टूटेगा। दूसरा बेटा, जो दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्ति होते हैं बेटा, 10 दिव्यांगों को बेटा हर साल खाना खिलाना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है, और 43 दिन तांबे का पैसा जल प्रवाह कर दो। मात्र इतना सा उपाय करके देखो बेटा, परमात्मा की दया से पैसे के लिए हर तरह के अच्छे हालात खुल जाएंगे, घर के अंदर सुख शांति और समृद्धि मिलेगी, और इसके बाद में जो तुम्हारे को गुस्सा जला आने के योग बने हुए हैं बेटा, वो भी हर तरह से उत्तम हो जाएंगे। दाता खुश रहते हैं। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, आपके भविष्य में क्या होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, तो अब तरीका बहुत ही आसान है। बस आपको अपना फोन उठाना है और ऐप स्टोर में जाके टेल माई लक ऐप अपने फोन में डाउनलोड करनी है, फिर आप अपने भविष्य से जुड़ी हर जानकारियां पा सकते हैं। रुक रहे हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आएंगे तो गुरु जी से जानेंगे चंद्रमा से जुड़ा खास गुरु मंत्र। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो